पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल ने चंडीगढ़ से पर्चा भर दिया है। शुभ मुहूर्त देखकर बंसल ने चंडीगढ़ से पर्चा भरा। उधर नागपुर में बीजेपी के नितिन गडकरी रोड शो कर रहे हैं, अपने लिए वोट मांग रहे हैं। कुछ ही दिन रह गए हैं चुनाव में और ऐसे में सभी नेता लगे हुए हैं किसी न किसी तरह जनता को अपनी तरफ लेने में। तो आज उम्मीदवारों के ऐलान के बाद पहली बार अमृतसर पहुंचे अरुण जेटली का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। और ये तस्वीरें पवन कुमार बंसल जब पर्चा भर रहे थे चंडीगढ़ लोकसभा सीट के लिए तब की हैं। पवन कुमार बंसल एक बार फिर चंडीगढ़ से उम्मीदवार हैं। हालांकि मनीष तिवारी वहां से कांग्रेस की उम्मीदवारी चाहते थे, लेकिन पार्टी ने पवन कुमार बंसल को फिर उतारा। पूर्व रेल मंत्री विवादों में घिरे थे, उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और चंडीगढ़ से एक बार फिर टिकट दिया है। चंडीगढ़ से बता दें आपको, गुलपनाग अभिनेत्री गुलपनाग और बीजेपी की तरफ से अभिनेत्री किरण खेर दोनों उम्मीदवार में हैं, उम्मीदवारी मैदान में हैं दोनों के दोनों। किरण खेर बीजेपी की तरफ से और गुलपनाग आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो टक्कर मिल रही है दोनों ही अभिनेत्रियों की तरफ से पवन बंसल को। पवन बंसल ने आज पर्चा भरा चंडीगढ़ लोकसभा सीट के लिए। आप